डियर स्टूडेंट्स, हमने नॉन कॉर्डेट टॉपिक शुरू किया हुआ है और नॉन कॉर्डेट में हमने फाइलम प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये चार फाइलम हमने कवर किए हैं। बच्चे, पढ़ाई का मजा तभी होता है जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हो। अगर मैं बोलूं कि हमने प्रोटोजोआ कवर किया है और पॉलीफेरा कवर किया है, इसका मतलब मैं जैसे मर्जी क्वेश्चन डालूं वो आपको आना चाहिए, बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर है। इसी तरीके से सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये भी आपको आना चाहिए। चाहे मैं क्वेश्चन शॉर्ट नोट में डालूं, लॉन्ग आंसर में डालूं, डिफरेंशिएट में डालूं, जनरल फीचर, स्पेसिफिक फीचर, जिस तरीके से मर्जी डालूं, बिकॉज जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो क्वेश्चन को जैसे मर्जी डालिए वो कर सकता है। आज हम लोग जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं वो है बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन फाइलम सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। देखिए, जब हमने फाइलम सीलेंट्रेटा पढ़ा और उसके बाद टीनोफोरा पढ़ा, तो आपने देखा होगा दोनों में बेहद ज्यादा सिमिलैरिटी है। और इवन अर्लियर क्या था कि टीनोफोरा को हम सीलेंट्रेटा में ही पढ़ते थे, बाद में जाके देखा गया कि इनके कुछ ऐसे फीचर हैं जो इसे सीलेंट्रेटा से अलग करते हैं। तो मुझे लगा कि भाई इसके जो डिफरेंस है उसके ऊपर फोकस करना काफी जरूरी रहेगा। तो आज बोर्ड पर मैंने इन दोनों के कुछ बेसिक डिफरेंस लिखे हुए हैं जिसके ऊपर हम गौर करेंगे। सबसे पहले फाइलम निडेरिया, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट सेल होते हैं और ये फाइलम सीलिएंट्रेट भी इसको हम कहते हैं। दूसरा आता है टीनोफोरा, ठीक है, जो इसके अगले वाला फाइलम आता है, इसका दूसरा नाम होता है कॉमजेली। निडेरिया और सीलिएंट्रेट की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रा और टीनोफोरा की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कॉमजेली। इवन इस फाइलम का नाम भी कॉमजेलिस है। तो चलिए इनके डिफरेंसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। निडेरिया जो है वो हाईली डाइवर्सिफाइड फाइलम है, लेकिन अगर टीनोफोरा की बात की जाए ये कंपैरेटिवली लेस डाइवर्सिफाइड है। निडेरियन और टीनोफोरा दोनों ही इक्वेटिक है। फिर आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या रहा, जो निडेरियन है ये क्या है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन भी, लेकिन अगर हम टीनोफोरा की बात करेंगे तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, इनमें कोई भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। दोनों एक्वेटिक, लेकिन एक आपको फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में दिखेगा और दूसरे वाला आपको सिर्फ और सिर्फ मैरीन वाटर में दिखेगा। देन सिमेट्री की बात की जाए, सीलिएंट्रेट में मतलब निडेरियन में इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करेंगे टीनोफोरा की तो इनमें बाई रेडियल सिमेट्री है। दोनों की सिमेट्री अलग है, सीलिएंट्रेट में रेडियल और टीनोफोरा में बाई रेडियल। देन निडेरियन की बात फिर से की जाए, ये सिसाइल भी हो सकते हैं, मतलब एक ही जगह पर अटैच रहते हैं, या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि हमें पता है कि टीनोफोरा को हम लोग कॉम जेलिस कहते हैं, तो ये हमेशा फ्री लिविंग होगी, जो स्विम करती है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेट्स, है ना, हमने पढ़ा भी है, तो ये कॉम्प्लेट की वजह से स्विम करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेट है ऑब्वियसली ये सीलिएंट्रेट में एब्सेंट होता है। एक और डिफरेंस अगर आप निकालना चाहते हो, देन जैसे कि निडेरियन है तो क्यों निडेरियन है, क्योंकि इनमें नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाले सेल इनमें प्रेजेंट है, बट इनमें नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होते हैं। निडेरिया और सीलिएंट्रेटा, आपने हाइड्रा को ही देखा होगा, तो वो क्या था, वो प्रीडेटर था, है ना, तो प्रे को पकड़ के खा जाता था, तो ये मोस्टली प्रीडेटर है, लेकिन कुछ जो है वो पैरासिटिक है। अगर आप बात टीनोफोरा की करोगे तो ये सबके सब प्रीडेटर्स हैं। तो सीलिएंट्रेट में प्रीडेटर्स और पैरासिटिक दोनों आते हैं, लेकिन टीनोफोरा में सिर्फ और सिर्फ प्रीडेटर्स आते हैं। देन पॉलिप एंड मेडुसा, ये सीलिएंट्रेट में प्रेजेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड
कॉम जेली मतलब टीनोफोरा में सिर्फ मेडूसा होते हैं और मेडूसा ही है जो कॉम जेली शेप एक्वायर करता है। सो पॉलिप एंड मेडूसा ये दोनों प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ सीलिएंट रेट्स, बट इन केस ऑफ कॉम जेली और टीनोफोरा वहां पर सिर्फ मेडूसा होते हैं। चूंकि इनमें पॉलिप्स और मेडूसा दोनों होते हैं, सो पॉलिप मेडूसा को जन्म देता है और मेडूसा पॉलिप को जन्म देता है, तो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जो है वो सीलिएंट रेट में देखने को मिलती है, बट नो सच ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इन केस ऑफ टीनोफोरा इज ऑब्जर्व्ड। अगर रियलिटी में देखा जाए तो इवन सीलिएंट रेट में ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं होती, हम उस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्यों मेटाजेनेसिस कहते हैं, अब मैं डिफरेंस से थोड़ा सा बाहर आ गया हूं, क्योंकि पॉलिप अगर मेडूसा बनाएगा और मेडूसा अगर पॉलिप बनाए तब तो हम बोलते हैं कि ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है, बट होता क्या है कि पॉलिप जो है क्योंकि ये एसेक्सुअल जॉइड है, यही होता है जो गैमिट बनाता है और मेडूसा के अंदर छोड़ देता है, और मेडूसा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और पॉलिप बनाता है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक, अल्ट्रेशन जनरेशन में क्या होता है कि ये भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है और ये सेक्सुअल, तो ये एसेक्सुअल से बनता है, ये सेक्सुअल से बनता है, तो एसेक्सुअल ने सेक्सुअल वाला बनाया और सेक्सुअल वाले ने एसेक्सुअल वाला बनाया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एसेक्सुअल ने सेक्सुअल वाला तो बनाया मेडूसा, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है गैमिट बनाने की वो ऑलरेडी पॉलिप ने ही दी थी, तो इन ट्रू सेंस यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं हो रही होती है। लेकिन सम बुक्स में लिखा हुआ है पॉलिप एंड मेडूसा जो है वो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, दैट इज वाई मैंने डिफरेंस में लिख दिया। अदरवाइज अगर ट्रू सेंस में बोला जाए तो मैं ये लिखना चाहूंगा कि जो सीलिएंट रेट है दे एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ मेटाजेनेसिस, ठीक है, जो कि इस केस में नहीं होता। देन आपने पढ़ा होगा सीलिएंट रेट में अगर हाइड्रा को ही पढ़ा हुआ है तो वहां पर जो एलिमेंट्री केनाल है वो जस्ट अभी बनना शुरू हुई है, वहां पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, तो एलिमेंट्री केनाल इनकम्प्लीट है, मतलब फुली नहीं बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड अगर आप टीनोफोरा की बात करो तो उनमें कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल बन चुकी होती है। तो देखिए अब आप देख रहे हो कि इसमें एडवांस करेक्टर एक्वायर हो रहे हैं, है ना, एट जो प्लेट्स हैं कॉम्ब लाइक वो आ चुकी है, टोटली फ्री स्वीमिंग है, राइट। दूसरी बात ये है कि एलिमेंट्री केनाल अच्छे से बन चुकी है, जो कि दिखाता है ये इनसे एडवांस में है। अब आता है सीलिएंट रेट में एक और करेक्टर कि सीलिएंट रेट यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि जगह कम थी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। लेकिन जो टीनोफोरा है ये सिर्फ हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो सीलिएंट रेट को टीनोफोरा फाइलम से अलग करते हैं। आपको इनके सिमिलर करेक्टर के बारे में तो पता ही है कि दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट मैं इनके उन करेक्टर की बात क्वायर कर रहा हूँ, उनका जिक्र कर रहा हूँ जो एक को दूसरे से अलग करते हैं। होपफुली आपको इनके डिफरेंस के बारे में पता चला हो, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि मोस्टली बोर्ड के पेपर में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो नो डाउट ये डिफरेंस तो आप खुद ही निकाल सकते हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको डाला जा सकता है। विद दिस मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी हो, और नेक्स्ट टाइम हम आगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा पर्टेनिंग टू फाइलम हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चे।